तो आजादी अमृत महोत्सव भाग लेवा वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आ चुक्या है अमदावाद खाते थोड़ी ज वार गांधी आश्रम खाते पहुंचवाना है। गांधी आश्रम खाते स्वागत लई तैयारी कर ले है। अपने जानी दी कि राज्यपाल देवव्रत आचार्य मुख्यप्रधान रूपाणी सहित अधिकारी द्वारा वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी अमदावाद एरपोर्ट पर स्वागत कर हम काफलो सीधो ज गांधी आश्रम जवा रवाना थी चुको है। अपने जानी दू कि गांधी आश्रम खाते विविध जो प्रदर्शनों गोठवाम जगह मुलाकात करवाना है। त्यारबाद दांडी यात्रा शुभारंभ करावशे। तो अत्यारे हाल जो तस्वीर अमे आपने बतावी रह्या छे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी काफलानी आ तस्वीर। काफलो आगळ वधी रह्यो छे गांधी आश्रम तरफ। आपणे जणावी दईए कि वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी आजनी आ मुलाकात दरमियान अनेक विस्तारोनी पण मुलाकात लेवाना छे। दांडी पुल के ज्यांथी दांडी यात्रा की शुरुआत करवामां आवी हती त्यां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी पोते जशे अने त्यांथी फ्लेग ऑफ करावशे। दांडी यात्रा की जे आज शुरुआत थवानी छे तेनु अने साथे तेओ पण थोड़ा अंतर सुधी आ दांडी यात्रा में तेओ चालवाना पण छे। आपणे जणावी दईए कि वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी हृदय कुंज आज जवाना छे अने त्यां रेटियो काते तेवी पण शक्यताओ छे। जे माटे एक महिला ने त्यां हाजर राखवामां आवी छे। नरेन्द्र मोदी त्यारबाद चालता दांडी ब्रिज सुधी जशे अने त्यांथी प्रतीकात्मक रीते दांडी यात्राની તેઓ શરૂઆત કરવાના છે। અત્યારે ગાંધી આશ્રમ પહોંચશે અને ત્યાં મહાત્મા ગાંધીને પ્રતિમાને સુતની આંટી તેઓ પહેરાવશે। बिल्कुल अने 2 कलाक सुधी अहीं विविध कार्यक्रमों अंदर तेओ सम्मिलित थशे। आखरे दांडी यात्राना 91 वर्ष पूर्ण थई रह्या छे। दीपाली आखरे तमाम सुरक्षा व्यवस्था पण सघन छे कारण के एसपीजी अने गुजरात पोलीसी टीमे आखरे मोदी ज्यां ज्यां विजिट करवाना छे स्थळोनुं बारीक निरीक्षण कर्युं छे। एटले पूरती सुरक्षा व्यवस्था साथे आ काफलो गांधी आश्रम पहोंची रह्यो छे के ज्यां गांधीजीनी प्रतिमाने सौप्रथम सूतरनी आंटी तेઓ અર્પણ કરશે। ત્યારબાદ હૃદયકુંજ પણ જશે અને ત્યાંથી ચાલતા દાંડી બ્રિજ તરફ પણ જશે। કુલ 2 કલાકનો અલગ અલગ જગ્યાઓ પરનો આ કાર્યક્રમ અને તેમાં પીએમ મોદી ખુદ ઉપસ્થિત રહેવાના છે।